प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गोरखपुर में तिरंगा झंडा बनाने के काम तेजी से किए जा रहे हैं। सरकारी विभागों से लेकर सामाजिक संगठन इसके लिए जोरों शोर से लगा हुआ है। गोरखपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान से तिरंगे की मांग बढ़ गई है। छोटे रेडीमेड गवर्नमेंट यूनिटों से मांग हो रही है। गोरखपुर में सरकारी विभाग व सामाजिक संगठन 8 लाख से अधिक घरों पर तिरंगा लहराने की व्यवस्था में जुटा हुआ है। वहीं अगर गोरखपुर मंडल की बात की जाए तो 33 लाख से अधिक घरों पर तिरंगा लहराने की व्यवस्था की जा रही है। गोरखपुर नगर निगम 1,10,000 तिरंगा लगवाने का दावा कर रहा है, जिसे देखते हुए बाजारों में तिरंगे की मांग बढ़ गई है। गोरखपुर में होलसेल मार्केट में तिरंगों के दाम बढ़ गए हैं। होलसेल व्यापारियों का कहना है कि जितनी डिमांड बाजार से हो रही है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं खादी ग्राम उद्योग के बनाए गए झंडे की मांग भी इस बार ज्यादा बढ़ी है। हर सरकारी दफ्तरों एवं विभागों पर खादी विभाग द्वारा बनाए गए झंडे ही दिखाई देते हैं, क्योंकि यह हाथ से काटे गए सूत द्वारा तैयार किए जाते हैं। खादी के कपड़े द्वारा निर्मित ये झंडे हर सरकारी दफ्तरों पर दिखाई देते हैं। हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष खादी के झंडे की मांग भी ज्यादा बढ़ी है। क्या नाम भैया? अभिनीत कुमार जायसवाल। जायसवाल जी, आपकी किस चीज की दुकान है? हर सीजन वाइज काम करता है। अच्छा, अभी झंडे का काम? अभी झंडे का फिलहाल काम चल रहा। क्योंकि जो बीजेपी ने हर घर झंडे का अभियान चालू किया है, जी सर, तो कितना असर पड़ा है इस मार्केट में? आप डबल रेट हो गया भैया, आगे से हम लोग को डबल रेट पे मिल रहा, ऊपर से फिर माल भी नहीं मिल रहा। जितना रिक्वायरमेंट है कस्टमरों का उतना माल भी नहीं मिल रहा। ये सब जो झंडे हैं, ये सब इसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लगभग जितना हम लोग पहले फुटकर में बेचते थे वो रेट मुझे मिल रहा है होलसेल में, क्वांटिटी पे 1,000 क्वांटिटी लेने पे वो रेट मुझे मिल रहा है। तो फिर हम लोग आगे कैसे क्या बेचें, कुछ है ही नहीं भैया। क्या लगता है ये हर घर झंडा अभियान है उसका असर दिखने मिल रहा है? ऑफकोर्स भैया, अभी से लगभग हम लोग को एक महीना पहले से शॉपिंग किए हैं दिल्ली में, पहले से वो मालूम पड़ गया है कि हाँ हर घर झंडा फहरेगा ही। ऑफकोर्स गोरखपुर में भी कई जगह लोग झंडे बनाने का काम करते हैं, कर रहे हैं लोग जी। क्या लग रहा है कि लोग वो भी बता रहे हैं कि कपड़े की भी कमी आ गई है, जिससे जो है झंडे नहीं बन पा रहे हैं सब? भैया अचानक कोई कह देगा कि हर घर में झंडा फैलेगा, आप ऐसे ही कॉमन सेंस की बात है, अचानक कोई कह देगा कि हर घर में झंडा फैलेगा, आई कांट बिलीव दिस। कोई रिक्वायरमेंट पूरा कर ही नहीं पाएगा। आपको बताना चाहिए 3 महीना पहले या 2 मंथ बिफोर, तो ऑफकोर्स वो हो सकता था, लेकिन अब कैसे हो पाएगा आप बताएं? नहीं हो पाएगा भैया, लेकिन तब पर भी धीमे धीमे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कितना हो पाएगा उतना किया जाए। संस्था से जुड़े लोग और ये सरकारी पर डे आते हैं, पर डे बोलते हैं कि मुझे एक सैंपल दे दो, 1 लाख मुझे चाहिए पर डे। आज ही 3 कस्टमर आ चुके हैं, आज हॉलीडे हम लोग का, तब पर भी 3 कस्टमर आ चुके हैं, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। किसी को 10 लाख चाहिए, किसी को 1 लाख चाहिए, डिमांड पूरी नहीं, कहाँ कर पाएंगे भैया, हम लोग ऑर्डर भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, किस साइज की झंडे की ज़्यादा डिमांड है? सबसे ज़्यादा तो इस साइज की, ये और इससे छोटा, सबसे ज़्यादा इसी झंडे की डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है। बड़े ज़्यादा बड़े झंडे की तो डिमांड नहीं चल रही है इस समय, क्योंकि बिकॉज सबके घर में अलाउ हुआ है, तो वो सब लोग ऑफकोर्स इसी साइज़ का झंडा मांग रहा। दैट्स द 12-18 साइज होता है हम लोग के लाइन में, वही सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। क्या नाम है? राजेश चंद्र सैनी। राजेश जी, किस चीज़ की दुकान है आपकी? ये सजावट सामान है, झंडे की है, यही सब है दुकान। हर घर झंडा अभियान को लेकर के जो 14 अगस्त से शुरू हो जाएगा, तो क्या झंडे की डिमांड आप लोगों की दुकान पे भी आ रही है? बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, क्योंकि लोग 50-50 सारे झंडे मांग रहे हैं। हाँ। डिमांड है, लेकिन हम लोग उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सप्लाई नहीं कर पा रहे। क्या आप लोग मार्केट में होलसेलर जो हैं उनसे या फिर जहाँ से लाते हैं? सप्लाई और मैन्युफैक्चरर ही नहीं दे पा रहे हैं ना। अच्छा, क्या वजह क्या? डिमांड ज़्यादा है, माल कम है, यही रीज़न है। उतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही झंडे की, जितना डिमांड उतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रही। अच्छा, किस साइज़ की झंडे की ज़्यादा डिमांड आ रही है? 20-30 साइज की ज़्यादा डिमांड है, 20x30 और 16x24, ये 2 साइज की ज़्यादा, 12x18 3 साइज की ज़्यादा डिमांड। अच्छा, क्या रेट भी बढ़ा है झंडे की डिमांड बढ़ने से? रेट तो बढ़ा दिए हर चीज़ का, डेढ़ा हो गया रेट। रेट बढ़ा, डेढ़ा हो गया। क्या पहले क्या रेट था झंडों का, आज क्या रेट है?
जो पहले झंडा मिल रहा था 30 रुपये में, आज बिक रहा है 40 रुपये में। ये रेशियो हो गया। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।